भाई क्वालिटी तो दिख रही है ना तुम्हें वीडियो की। मैं उसको चाय से दूर करता हूँ, मैं उसको अपनी जिंदगी से दूर कर देता हूँ। कल साथ ही आ जाऊँ ना हमारे। सुनते ही आप इसका चैनल अनसब्सक्राइब कर देना। ये अपने बजाज साहब खड़े हैं भाई, भाई ने ले लिया नया फोन। So, welcome back to another vlog. एक बारी आवाज कम कर दूं, वैसे तो इतना अमीर यूट्यूबर मैं हूं नहीं, लेकिन फिर भी कॉपीराइट नहीं आना चाहिए भाई। भाई किशन ये अपना यूट्यूबर भाई पता है, और ये अपना हर्ष भाई। ओ माँ की जाए, इतनी ज्यादा सुपर फ्लैश आ गई भाई के टाइम। शक्ल अभी तक नहीं आई भाई की फोकस में। हम लोग जा रहे हैं गुड़गांव पार्टी करने, छोटी सी। डे नहीं बताऊंगा कौन सा है, क्योंकि डे बता दिया तो तुम फिर हम फंस जाएंगे ना यार। हमारी भी तो कुछ है, छोटी मोटी अभी चल रही है हमारी भी है। फैंस आ जाएंगे भाई, अपना गोवा वाला व्लॉग अपलोड कर रहा है। ये बता रहे ना कि क्लैरिटी का पॉइंट चेक करके, मैं बताता हूँ भाई ने नया आईफोन लिया है। हम चारों को पंप सबको पकड़ के लाया है कि मैं व्लॉग बनाऊंगा। हाँ नहीं, ये तो बता क्यों लिया है, रीजन वो बता ना। खाना खाने आए थे वो भी टेस्टी वाला। देखो हम आए थे खाना खाने के लिए, खाना ये रहा हमारा। हाँ फर्स्ट खाना खाने आए थे हमने, और कुछ भी नहीं खाया। यार आइटम बताओ यार। चिकन है, ये दाल मखनी, और मुझे ये समझ नहीं आता ये फूल क्यों बनाते हैं इस पे व्हाइट भाई। तुम लोग बड़े दिल से चाह रहे थे और दो तीन कमेंट आ गए थे कि क्वालिटी इंप्रूव करनी है, लेकिन तुम्हारी इतनी तगड़ी सुनेगा भगवान। मुझे नहीं पता था कि भाई फ्राइडे को मेरा फोन चोरी हो जाएगा और मुझे फोन लेना पड़ेगा। तो अब क्वालिटी की कोई दिक्कत आने वाला नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे भाई ने ले लिया आईफोन। तो भाई अभी आज है 26 जैन, ठीक है। तो मैं हैप्पी रिपब्लिक डे किसी को नहीं बोलूंगा, क्योंकि किसी का बर्थडे तो है नहीं जो हैप्पी रिपब्लिक डे तो मैं बोलूं मैं। तो अभी मैं और मेरे दो दोस्त और हैं, वो हम लोग जा रहे हैं अभी एक ड्राइव पे जा रहे हैं। अभी हमारा कंफर्म नहीं है, क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही निकलते हैं, हमारा रैंडम प्लान होता है, कोई प्लान नहीं होता हमारा, हम बस पहुंच जाते हैं। तो डेस्टिनेशन पे पहुंच के तो मैं दिखाऊंगा क्या खुला हुआ है, कहाँ का तुम लोग एक्सप्लोर कर सकते हो नेक्स्ट 26 जैन पे। अब तो क्योंकि दिन निकल जाएगा ब्लॉग जब आएगा, तो मैं उनकी शक्ल दिखाता हूँ तुम्हें। सलमान खान का फैन है ना? कौन भाई? मास्क उतार के, मास्क उतार के दिखाओ भाई। भाई मैं दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉगर बलाटी साहब हमारे हैं, बलाटी। तो ये सुनते ही आप इसका चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है? छोड़ दो। हाँ इसका अनसब्सक्राइब कर देना। बाकी यार 26 जनवरी बाहर निकले हैं, देखते हैं यार क्या बनता है क्या नहीं। मतलब भाई ये कह रहा है कि उसका चैनल भी सब्सक्राइब कर देना इनडायरेक्टली। हाँ देखो अगर वैसे तो हमारे ब्लॉग कोई देखता नहीं है, लेकिन स्टिल अगर कोई इतना वेला है कि बिहाइंड द सीन्स भी देखना चाहता है, तो गुलाटी के चैनल पे आएगा। नहीं भाई बिहाइंड द सीन नहीं, पूरा ब्लॉग आएगा। नहीं वो तो आपके चैनल पे आएगा ना। हाँ बाकी बिहाइंड द सीन्स तो मैं डालूंगा। हाँ ये तो डालेगा। और भाई ये है हर्ष शर्मा हमारे, ये अभी तक नितिन के ब्लॉग में पाए जाते थे, अब ये पहली बार हमारे ब्लॉग में आएंगे। तो बताना कि इसके ब्लॉग में ज्यादा छा रहे हैं, किसी के ब्लॉग में नहीं। एक बंदा हमारा है वो दिख नहीं रहा अभी, वो इनविजिबल है। ताजा धोखा खाया, ताजा बिल्कुल। शायद एक बंदा और होता। हाँ सरकार की गाड़ी लेके, सरकार की गाड़ी ले, हम सरकार के भरोसे ही आ जाए थे, लेकिन वो सरकार, लेकिन सरकार ऑलवेज धोखा देती है। बाकी भाई जैसे मेरे को 26 जनवरी पे डाउट थे ना कि काफी कुछ बंद हुआ, घंटे घंटे का बंद है। छोले भटूरे वाला तो खुला था आज हमारे गली में, बताओ कुछ बंद नहीं है। हम ना मैं बताऊँ, मैं नितिन हम कभी भी जाते ना, हम लोग हमेशा ये सोचते हैं भाई ऐसे एंगल से शूट करेंगे, ऐसा व्लॉग बनाएंगे, ये करेंगे। घंटा कुछ नहीं होता, हमारी प्लानिंग ही ऐसे होते है ना, और बंदे हमारे ऐसे होते हैं, उसके से हमारी कोई कुछ नहीं हो पाती प्लानिंग। अब भाई को इंट्रो शूट करने देते हैं और थोड़ी देर के लिए आपसे अलविदा लेते हैं, अब मिलते हैं कहीं पे कुछ होगा। तो ट्रिप शुरू होते ही ये पेडेलो शुरू हो जाता है, वही हमारी गाड़ी में चल रहा है। तोड़ के मोती फुलती नी जेबे सानू छट गई होंगी तू मन लड़े जद गई कोई छड्डूगा तू। भाई हम प्यास लगी यार, हमें पानी लेना है। भाई हम चटना नहीं ले रहे, ठीक है? ये देखो ये चटने के लिए रुक ही नहीं रहे हम। आ गया आंटी, चटना नहीं लेना आंटी, चटनी समझ के लेंगे। चटने के अलावा जो हो सब दे दो आंटी। एक पानी की बोतल दे दो, 2 लीटर 1 लीटर में। नहीं नहीं ये वाली दो ना, छोटी वाली। ओके भाई, सो वी फाइनली रीच्ड नियर बाय मूर्थल, और अभी हम मूर्थल पे नहीं जा रहे क्योंकि हम लोग तेरे बिना बेसुवादी बेसुवादी रहती है और सजना, क्योंकि वी आर इन हवेली। ठीक है ठीक है यार, कभी कभार मतलब थोड़ा चेंज होना चाहिए यार, थोड़ा चेंज होना चाहिए। देव का चेंज मतलब थोड़ा डेवलप हो चुका भाई उस दिन, सच अच्छा नहीं लगता। सच बता रहा हूँ, उस दिन छोले भटूरे भी अच्छे नहीं थे। हम लोग जा रहे हैं हवेली में, वहाँ पे वैसे भाई बता रहे हैं कि बहुत अच्छा टेस्ट होता है। थोड़ा सा ही आ गया, टोल से पहले है तो टोल देने की भी जरूरत नहीं है आपको, आप लोग जा सकते हो हवेली। मजा आ रहा है तुम्हें? नहीं क्यों क्यों नहीं आ रहा मजा? नहीं आ रहा भाई। अरे भाई कितनी भीड़ है, बैक कैमरा ले लो, भीड़ दिखाता हूँ।
भाई घर ही चले क्या कहते हो यार इतनी भीड़ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं अरे अंदर खाली है सही यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो हम लोग सोच रहे हैं डेढ़ घंटे की वेटिंग है सो इट्स बेटर कि हम लोग कुछ वो टिक्की चाट पापड़ी चकना टाइप ले लें ठीक है तो वही अभी हमारे दोस्त लेने गए हैं हम लोग आए थे यहाँ पे हवेली में जो भी हवेली है और यहाँ पे इसका आउटलेट है तो हम अभी लोग यहाँ से खा रहे हैं हम लोग पता नहीं कहाँ चले गए हमारे बंदों के पीछे पीछे चलते हैं देखते हैं कहाँ जा रहे हैं ये लोग भीड़ है भाई 26 जैन हो या जो भी हो कैश काउंटर अच्छा आउटलेट लगता है वहाँ पे छोले भटूरे और जलेबी जो कि इस भाई की फेवरेट है शक्ल देख लो इसकी जलेबी वाली भाई देख लो मेरे फेस पे फैटी फैट है और वो इसी वजह से है समोसे छोले भटूरे जलेबी मेरी जिंदगी यही है हाँ समोसे छोले किसी दिन में ब्लास्ट हो गया और तुम्हारे घर तक मेरी छींटे आई तो भाई हम लोग ऐसा है अभी जलेबी और छोले भटूरे लेके यहाँ से आगे निकलेंगे सुखदेव की तरफ क्योंकि मेरे को नहीं लगता वहाँ पे मीटिंग सुखदेव में भी मीटिंग है पता नहीं भाई 26 जनवरी को मुझे समझ नहीं आ रहा 26 जनवरी को हवेली में वेटिंग कैसे हो सकती है भाई मतलब आप ये मान के चलो अगर वहाँ दिल्ली और NCR बंद है ना तो दुनिया यहीं आके अपना पेट भर रही है सही ये बंदे हमारे ले रहे हैं यहाँ पे क्या कह रहा था कौन सा रस लेना है भाई चाय का रस लेना है चाय का रस या जलेबी का रस चाय मुझे रिकॉर्ड किया जाए खा सकते हो इससे अगर आपको बोले डेढ़ घंटे की वेटिंग है यहाँ पे आओ भटूरे खाओ जलेबी खाओ चले जाओ मतलब खा सकते हो बहुत वाओ नहीं कहता बट बहुत बेकार भी नहीं है पता ही ना मुझे पहले ही पता था यार लिटरली बहुत बेकार 40 रुपए के बालाजी के बहुत बढ़िया होते हैं 30 रुपए के जलेबी भी आई है और हुए छोले भटूरे वैसे चटनी के साथ नो डाउट अच्छे लग रहे हैं नितिन जेनुअली अच्छे हैं छोले भटूरे जेनुअली अच्छे हैं मतलब सुखदेव से तो अच्छे हैं जो मैंने लास्ट टाइम खाए थे आपको वेटिंग मिले डेढ़ घंटे की तो आप ऐसा मुंह ना बनाए आप चुपचाप छोले भटूरे खाएं और ऐसे खुश हो जाए सीवन जाओ बीकानेर के खा लो बीकानेर के खा लो चाय नहीं मिली सब बेकार होगा नहीं चाय मैं पिलाऊंगा पक्का तेरे को बिना चाय पिलाए घर नहीं ले जाएंगे हम यार मतलब इतनी पतली मतलब अच्छी लग रही है लेकिन अच्छी लग रही है बढ़िया हम लोग निकल चुके हैं लेकिन पेट हमारा बिल्कुल नहीं भरा क्योंकि ये संघर्ष करते हुए हमारे यूट्यूबर्स तो हेलो एंड वेलकम बैक मैं सही टाइम पे ये व्लॉग बना रहा हूँ ना मैं क्यों हम लोग जा रहे हैं करूर बाग जी शॉपिंग करने कुछ भी मांगता ना वो भी मिल जाता लेकिन ये तो बस एक आईफोन है डे 3 बजाज साहब की शॉपिंग